जब जब समाजवादी की सरकार बनी तो पहले तो बड़े बड़े दंगे हुआ करते थे, बड़े बड़े माफियों आतंकियों का घर हुआ करता था, चाहे निठारी कांड, इलाहाबाद मदरसा कांड, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारा, मथुरा की सीबीआई जांच बंद करेंगे, कहता 2 साल फंस जाएंगे, जौनपुर, आजमगढ़, फैजाबाद, सुल्तानपुर, बाराबंकी और आजमगढ़ मऊ जब एक में था, रामलीला का मैदान चल रहा था, यादव समाज की बहन बेटियों को नंग अवस्था करके अधुकर्म किया गया, चट्टी चौराहे पर जलाने का काम किया गया, इंदिरा मरी, निवास में संजय मरा, आकाश में राजू मरा, मद्रास में यादव समाज का बेटा मऊ मारा गया, बाईपास में बल्टा बेकसूर थाने में टंगा था, आप वहाँ जा रहे हैं मनाने, उसके दरवाजे पर जा रहे हैं, ये बताइए अभी बरेली में कांड सुने होंगे, वर्षीय की यादव की लड़की थी, उसको ट्रक पर फेंक दिया गया और उसके माँ के पेट में छुरा भोंक गया, और इसके बाद वह समाजवादी के कार्यकर्ती थी, अरे अखिलेश भैया वहाँ सांत्वना नहीं दे रहे हैं, जो तालिबान बनाया था उसके घर पर जा रहे हैं, अब उसका कब आप पहुँचने जाएंगे, इसलिए लूट ले रहे लीडरों की लड़ाई देखी नहीं जाती, अब बस्ती भूखमरी तंगमरी देखी नहीं जाती, और जब दिनेश लाल निरहुआ आजमगढ़ को देखा ना तो कहा गरीबों की झोपड़ी मंडी देखी नहीं जाती, 12 करोड़ का इलाज करा दिया, इसलिए जो भरा है भावों से बाती नहीं राजधार है, हृदय नहीं वो पत्थर जिसमें स्वादेश का प्यार नहीं, शाखा से पत्ते गिर जाते हैं, धर्मेंद्र अवकाश में रहिए, और नजर बदले तो नजारे बदलिए, सोच बदलिए, आजमगढ़ पूर्वांचल का सितारे बदलिए, वो विकास की आया केवल सर्टिफिकेट लेने आए और देने आए, अब आप लेने ही नहीं आए, बेटा लेने आए थे में छोड़ करके चले जाए, उनका काम अधूरा, दिनेश लाल किया पूरा, हमको 40 किलोमीटर की दूरी पता करना है, 400 किलोमीटर, अब पांच ही टिकट दिए थे और यहाँ आजमगढ़ में दिखाई नहीं दे रहे हैं, केवल मैनपुरी अटावक हम लोग डंडा झंडा ढोए, क्या गुलामी पैदा करें, आप चले जाइए, आपको हम लोग तो ईंट से ईंट बजा देंगे, ना चुनौती होगी ना आजमगढ़ तुम्हारे पास, अरे बंद